रजनीश यादव अंचल प्रदेश सचिव प्रसपा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। रजनीश यादव अंचल प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते कहा कि गरीब प्रत्याशी का शोषण कर रहे हैं। सचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया उत्तर प्रदेश जी, क्या मामला है, क्या पंचायत चुनाव पर? पंचायत चुनाव पर हमें सबसे ज्यादा राज्य सरकार और चुनाव आयोग पर गहरा दुख है। राज्य सरकार क्रम ये प्रत्याशियों के साथ घोर अन्याय के साथ उत्पीड़न कर रही है। किस प्रकार का अन्याय कर रही है? पूरे प्रदेश में आधे प्रमाण पत्र का सिलसिला जारी है। आधे प्रमाण पत्र ग्राम सभा के मेंबरी लड़ने वाले प्रत्याशियों को भी देना है, क्षेत्र पंचायत सदस्य लड़ने वाले उनको भी देना है, ग्राम प्रधान प्रत्याशियों को भी देना है और जिला पंचायत प्रत्याशियों को भी देना है। जबकि आधे प्रमाण पत्र उन्हीं का लिया जाना चाहिए जो बकायेदार हैं और बकायेदारों से ही पैसे जमा करा करके और उनका आधे प्रमाण पत्र लेकर के आवेदन पत्र के साथ पर्चा दाखिला के साथ संलग्न करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार बिल्कुल ही धनुगाही कर रही है। सभी जनता से, सभी प्रत्याशियों से कोई देना लेना नहीं है, कोई बकायेदार नहीं है, लेकिन एक सर्कुलर जारी कर दिया कि सबको आधे प्रमाण पत्र लगाना है। महोदय, आधे प्रमाण पत्र पर जरा देना भाई, आधे प्रमाण पत्र पर कहीं पर एक पैसा प्रिंटेड नहीं है कि एक रुपया भी लिया जाए, कोई पैसा अंकित नहीं है। लेकिन इस आवेदन इस आधे प्रमाण पत्र का 200 रुपया लिया जा रहा है प्रति आधे प्रमाण पत्र। यह है आपका क्षेत्र पंचायत मतलब ब्लॉक का आधे प्रमाण पत्र है, ये 200 रुपया लिया जा रहा है और एक रुपया भी नहीं लिखा है। यह है आपका जिला पंचायत वाला ही दूसरे प्रत्याशी का, इससे भी 200 रुपया, वो ब्लॉक वाला है। और ये ग्राम पंचायत का है, ग्राम पंचायत से भी 200 रुपया, कोई माने मतलब नहीं है। जिला पंचायत वाला कहाँ है ये देखिए, ये जिला पंचायत का है, एक रुपया कहीं नहीं लिखा है और 200 रुपया जिला पंचायत ले रहा है। मतलब एक आधे प्रमाण पत्र का एक रुपया प्रिंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन जिला पंचायत प्रति उम्मीदवार प्रति आवेदन आधे प्रमाण पत्र शुल्क 200 रुपया लिया जा रहा है। ये इस तरह का ब्लॉक जिला पंचायत ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा घोर उत्पीड़न और धनुगाही की जा रही है। मैं चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये धनुगाही उत्पीड़न बंद। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।